सिर्फ कमजोर और बुजुर्ग ही नहीं, हर गंदा काम करने वाले भी तेजी से आ रहे हैं कोरोना की चपेट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ कमजोर लोगों को अपना शिकार बना रहा है तो आप गलत हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। इस खतरनाक वायरस ने अब तक 32 लाख से ज़्यादा लोगों को संक्रमण किया है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे अधिक अमेरिका फिर लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अब बात करते हैं कोरोना का इलाज संभव है नहीं, मगर कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से ज़्यादा लोगों की चपेट में आ रहे हैं। एक सर्वे में एक बात सामने आई थी कि कोरोना वायरस से पुरुष ही ज़्यादा मर रहे हैं, महिलाओं का बहुत ही कम परसेंट है मरने का। तो अब इसका एक और वैज्ञानिक कारण आ गया है। कोरोना का अब तक कोई इलाज नहीं है और इसके लक्षण भी अब बदलते जा रहे हैं और इसके लक्षण इतने ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं, लोगों का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। अधिकतर मामले बिना लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमज़ोर और बुजुर्ग लोगों को यह वायरस जल्दी से प्रभावित कर रहा है और उन्हें मौत के घाट उतार दे रहा है। लेकिन एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि धूम्रपान करने वाले लोग कोरोना वायरस संक्रमण की कगार पर हो सकते हैं। दावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की कोरोना वायरस की प्रकृति के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में उन लोगों को भी आगाह किया गया जिसमें COVID-19 के लक्षण नजर नहीं आया लेकिन उनके सूंघने की क्षमता कम हो गई है और खाते वक्त स्वाद आना कम हो गया है। लोगों को ये लक्षण महसूस होते ही वह स्वयं को सबसे अलग कर लें और एकांत जगह में रहें, किसी के संपर्क में ना रहें और विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। अमेरिका केमिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के COVID-19 महामारी की न्यूरोलॉजिकल अंतर्दृष्टि शीर्षक वाले अध्ययन के मुताबिक संक्रमित लोगों की सूंघने और स्वाद पाने की क्षमता कम होना उन्हें केंद्रीय पूरी तंत्रिका और तंत्र को और उसके मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना को विनाशकारी प्रभाव के साथ वायरस के संक्रमण के लिए आसान निशाना बना देता है। आसान भाषा में समझे तो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, शरीर है, वह कमजोर होने लगेगा और आप कोरोना वायरस के जल्दी से शिकार बन जाएंगे। अध्ययन दल का नेतृत्व सुरजीत घोष किया है और जो IIT जोधपुर में प्राध्यापक है। अध्ययन के इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना वायरस का विशेष मानवीय ग्राही रिस्टर HSCE2 ह्यूमन एंजाइम क्वांटिट एंजाइम 2 के संपर्क में आता है, जो वायरस के प्रवेश बिंदु पर भी हुआ करता है और ज़्यादातर मानव अंगों, फेफड़ों से लेकर सांस नली तक इसकी लगभग हर जगह उपस्थिति होती है। घोष ने कहा है कि COVID-19 रोगियों का न्यूरोलॉजी संक्रमण की जद में आना धूम्रपान जैसी चीज़ों में बढ़ सकते हैं। एक प्रायोगिक अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान मानव ग्राही और निकोटीन ग्राही के बीच संपर्क के चलते COVID-19 के संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। अध्ययन दल ने COVID-19 संक्रमित रोगियों के मस्तिष्क की जांच करने और उसका विश्लेषण करने का सुझाव दिया है। अध्ययन में कहा गया है कि जब COVID-19 रोगियों के मस्तिष्क की जांच की जाती है तब उम्रदराज व्यक्ति और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के धूम्रपान के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने की COVID-19 रोगियों पर धूम्रपान के अतिरिक्त खतरे को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एक प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो सिगरेट का नशा है, सुट्टा मारता है या किसी प्रकार का सिगरेट का सेवन करता है, हुक्का पीता है, ऐसे लोगों को COVID-19 का ज़्यादा खतरा है। तो इस तरीके के जो आप काम करते हैं वो काम बंद कर दें और जल्दी से जल्दी हेल्दी और पौष्टिक खाना ही खाएं जिससे कि आप सबका शरीर और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।